एक ऐसा शानदार इंडियन फिश मेरे हिसाब से जो आपके ये अरवाना वगैरह को शर्म से कहीं छुप जाने को मजबूर कर देगा। हां ये सही है, इंडिया में बहुत सारा प्राकृतिक वेल्थ बहुत सारा है, ऐसे ब्यूटीफुल फिश स्पीशीज है जो हम लोगों को पता भी नहीं है क्या है। सब जगह अरवाना, फ्लारॉन, चिली अरवाना, रेड अरवाना, ब्लू अरवाना, बस नेचुरल इंडियन फिश जो कुदरती पाया जाता है हर एक रिवर में है, बहुत सारे जगहों में नॉर्थ ईस्ट में, केरला में उसको खाते भी हैं, लेकिन दिखता क्लास है। और ये फिश हम लोग कॉमनली उसे चना बुलाते हैं। असम में गोराई बुलाते हैं, केरला में वरल बोलते हैं, बिहार मेघालय वहां पे गडल गोराई बोलते हैं। कॉमन अवेलेबल फिश है, इंडियन स्नेक हेड बोलते हैं, स्नेक हेड बिकॉज सांप जैसा सर रहता है, ऐसा राउंडिश पॉइंटेड। और ये ईल स्पीशीज से रिलेटेड है करके स्टडीज भी है, बहुत ब्यूटीफुल फिश, क्या अंदाज, क्या मिजाज, क्या एटीट्यूड, अमेजिंग अमेजिंग। चना हॉबी में बहुत सालों से है, एक छोटा सा ड्वार्फ चना या चना गचुआ जो 8 इंच ग्रो हो सकता है उससे लेके जायंट स्नेक हेड बोलते हैं या एम्परर स्नेक हेड बोलते हैं जो 3-4 फुट तक जा सकता है। कलरेशन पैटर्न्स एंड नेचुरल कलरेशन, हाँ कोई मैन मेड एडेड कलर नहीं है। एंड ये सब होते हुए भी एज हॉबीज इन इंडिया, मतलब इंडिया में हम हॉबीज इसके बारे में कुछ नहीं जानते, हमें साउथ अमेरिकन अरवाना के बारे में, डिस्कस के बारे में या मैन मेड फ्लारॉन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है, चना के बारे में नहीं है। ये मैं सोचता हूं एक अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए सीखने का, अपने ही देश का धरोहर को आगे बढ़ाने का। ज्यादातर इंडियन रिवर्स में चना जो है विलुप्त होने के कगार पे है, मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्योंकि रिवर्स पॉल्यूटेड है, पानी गंदा है, बहुत सारा पकड़ते हैं, खाते भी हैं, और कुछ कुछ तो बहुत इंटीरियर एरियाज में है जहां पे आप पहुंच भी नहीं सकते। चना की कुछ 50 वैरायटी है जो डिस्कवर किया गया है,
ईरान से लेके अफगानिस्तान, बर्मा, पूरा इंडिया, इंडिया के सब रिवर्स, अफ्रीका यानी नाइल रिवर तक मिलता है। अलग अलग साइजेस, अलग अलग कलर्स, ब्यूटीज, वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल फिश। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं एक चना के बारे में वीडियो बनाने के लिए। बहुत सुंदर फिश है, बहुत बार बोल चुका हूं ना, बट है बहुत सुंदर, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। तो आज डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत चना के बारे में, चना इसको कैसे रखते हैं, क्या खाना खिलाते हैं वगैरह वगैरह। और सबसे इंटरेस्टिंग इन सब चना वैरायटीज का मोस्ट ब्यूटीफुल और शायद दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव चना बरका, इसके बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस है मेरे पास। और ये वीडियोस मेरे कुछ हॉबीज दोस्तों ने मेरे को भेजे, मेरे पास कुछ थे, ये सब मिला के मैं आपको चना बरका दिखता कैसा है वो दिखाने वाला हूं। जस्ट इंफॉर्मेशन, चना बरका एक जमाने में 6-8 लाख रुपए में बिकता था। आज यूरोप अमेरिका में गुड क्वालिटी चना बरका इंडिया से 1-2 लाख रुपए में एक्सपोर्ट होता है। चना के बारे में बात करें और एक्वेरियम में कैसे रखते हैं उसके बारे में बात करें, तो ये बेसिक पॉइंट्स आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे कॉमन अवेलेबल चना जो है, छोटा ड्वार्फ चना बोलते हैं, चना गचुआ बोलते हैं, 8 इंच का है, वो बेस्ट है एक्वेरियम में रखने के लिए, क्योंकि 8 इंच है, 3 या 4 फुट टैंक में मस्त आ जाएगा, 6-7 रख सकते हैं, 3-4 रख सकते हैं, उनको हाइडिंग स्पेसेस चाहिए। ठीक है, छुप के आराम से बैठते हैं, बिकॉज वो नेचुरली एम्बुश प्रेडेटर्स है, मतलब छुप के हंट करेंगे। ओके, तो दे आर केपेबल ऑफ सडन बर्स्ट, मतलब सडन जंप मारेंगे, टैंक से भी जंप मारेंगे। थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, खाना सब कुछ खाएंगे, छोटे चनास, इंसेक्ट्स, फिश, वर्म्स, फ्रॉग्स, बड़े चनास, ये जाना गया है, बर्ड्स तक खा लेते हैं। 3 फुट का चना है, पानी से बाहर आएगा, बर्ड उठाएगा, गायब। चनास का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, चना एक ऐसा फिश है जो एक्वेरियम में पानी में डूब के मर सकता है, मजाक नहीं कर रहा हूं। चनास ना लाइब्रेंथ फिश है, मतलब वो हवा से सांस लेते हैं, उनको पानी के अंदर सांस लेने होता नहीं है, जैसे गोरामीज है, बेटा फिश है, सेम ऊपर आके सांस लेते हैं। तो अगर ऊपर उनको सांस लेने का जगह नहीं है और टैंक पूरा कवर है, या नीचे कुछ वुड ऐसा डेकोरेशन वगैरह आपने रखा है और नीचे फंस जाए, तो वो डूब के मर जाएगा,
उसको बहुत जरूरी है कि टैंक में जगह हो ताकि वो ऊपर आके हवा ले सके। ओके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा अगर आप चना खरीद रहे हो या रखने का ख्वाहिश भी रखते हो तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी देखा गया है कि मिट्टी में या गीली मिट्टी में रह सकता है बिना पानी के, मार्शी एरियाज, क्योंकि वो हवा से सांस लेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है चना का। तो अगर घर में रखते हो और वो जंप मारेगा तो एक राउंड आपका घर का मारेगा पूरा, और ये काफी सारे हॉबीज के साथ हुआ भी है, ठीक है, उतना इजीली मरता नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत रिजिलियंट, वेरी वेरी हार्डी। दूसरा, ज्यादातर चना इसको सिंगल या मेल फीमेल रख सकते हैं, बट याद रखो एग्रेसिव होते हैं तो संभाल के रखना चाहिए, टैंक कवर करना चाहिए, पानी अच्छा साफ होना चाहिए, अच्छा फिल्ट्रेशन होना चाहिए, और खाना उनको लगेगा, वो सब कुछ खाएंगे। ज्यादा लाइव फूड दोगे तो बेटर है। चना के साथ बहुत सारे वैरायटी फिश आप रख नहीं पाओगे, वो सब कुछ खा लेगा। हाँ, छोटे चना जो है जैसे चना गचवा वगैरह, वो कम्युनिटी में रह भी सकता है अगर उसके हिसाब से सेम साइज के दूसरे मछली है, लाइक कार्प या यू नो शार्क या नाइफ फिश, ऐसा कुछ है तो चल जाएगा, लेकिन चना बड़ा होते होते वो सब कुछ खाएगा। ज्यादातर चना रखने वाले हॉबीस्ट ना रेगुलर फिश खिलाते हैं, मतलब हमारे खाने वाला फिश, उसका जो वेस्ट पार्ट या श्रिम्प्स या दूसरा कुछ भी लाइव, ओके, कॉकरोचेस, ये सब खिलाते हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है, चना रखने वालों का कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत क्लोज है, मॉन्स्टर फिशेस। चनास के बारे में ना, जैसे मैंने बोला था, ये मॉन्स्टर फिश ग्रुप जो हॉबीस्ट है, इनके पास ऑनलाइन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, और अगर आप चना रखना चाहते हो तो प्लीज इंफॉर्मेशन पढ़ो, जानकारी लो, समझो कि आप क्या और कैसे रखने वाले हैं, सब प्लान करके उसके बाद जाके मछली को लेके आना, ठीक है। मछली बड़ा होगा और उसके जरूरतें हैं, तो ऐसा नहीं कि आप लेके आ जाओ फिर यू नो जुगाड़ चालू कि ये करे क्या वो करे क्या, ऐसा मत करो, ठीक है। तो कॉमनली मार्केट में कौन से चनाज अवेलेबल है? चना गचवा बहुत पॉपुलर है, चना स्टुअर्ट ही बहुत पॉपुलर है। ओके, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हर जगह मिल जाता है, ठीक है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, ठीक है। एंड थोड़ा अगर आप स्पीशीज थोड़ा एक्जॉटिक पूछोगे तो प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन अवेलेबल है। अगेन चना बरका पे आता हूं, कहां मिलता है, कैसा है उसका एटीट्यूड, ये सब बताऊंगा। चनाज एक्चुअली टैंक में भी ब्रीड करते हैं, ठीक है। ज्यादातर चनाज ना, कहा जाता है कि ये जो ड्वार्फ वेराइटीज है वो माउथ ब्रूडर्स है, मतलब अंडे को मुंह में रख के बच्चा मुंह में पैदा होएगा और उसको मुंह में रख के वो सेफ गार्ड करेंगे, और ज्यादातर बड़े चनाज जो है वो फ्री स्पॉनर्स है, मतलब अंडा डाल के
छोड़ देंगे। अब आते हैं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, चना बरका। या उसको बोलते हैं ब्लू स्नेक हेड, क्योंकि एक्चुअली नेचुरली ब्लू है और वो ब्लू कलर ग्रोथ होते होते आएगा। छोटे में थोड़ा डल कलर रहेगा, येलोइश रहेगा। थोड़ा ग्रो होते होते ब्लू होगा और अगर काफी साल रह गया ठीक है तो वो थोड़ा डार्किश ब्लू हो जाएगा। तो ये चना बरका मिलता है असम के इंटीरियर एरियाज में, काफी इंटीरियर जाना पड़ता है, बहुत यू नो एक्सेस बहुत कम है लेकिन मिलता है। एग्रेसिव फिश है, यूजुअली मेल फीमेल जब रिप्रोडक्शन के टाइम साथ में रहते हैं, बाकी टाइम अकेला रहना पसंद करेंगे। वो पानी के अंदर कोई एक छोटा होल या बिल बना के बैठे रहते हैं, जब कोई मछली या कुछ जाता है पकड़ेंगे, खाएंगे, रिलैक्स करेंगे। और टैंक में वो घूमते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, आदत है उनका स्विम करते रहना, बैठेंगे जाएंगे हवा लेंगे वापस आएंगे। इनका जो ब्रीडिंग डांस है ना, मेल और फीमेल का जो मिलन या एम्ब्रेस आलिंगन, बहुत सुंदर है, देखने लायक है। ये फिश के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, उसको देखते ही इतना मजा आता है। आज मेरा इंटेंशन यही है कि इस वीडियो के जरिए लोग ये फिश को देखें, अरवाना भूल जाएंगे भाई। और आप ये वीडियो को शेयर करो, सबसे शेयर करो, अपने इंडियन फिश है यार, इतना तो हम कर ही सकते हैं। एक चना कैप्टिविटी में 15-20 साल रह सकता है, काफी बड़ा होगा और आपको टैंक भी बड़ा चाहिए होगा। वाइल्ड में 2-3-4 साल, क्योंकि दूसरे चना से फाइट करेगा या कोई दूसरा जानवर उसे खाएगा या इंसान खा लेते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इनको पानी का टेम्परेचर 18 डिग्री से लेके 25-27 डिग्री तक भी चलता है। पानी एसिडिक होना चाहिए, सॉफ्ट वाटर चाहिए लगता है इनको, तो मतलब पीएच 6-8 तक चलेगा, इन बिटवीन 6-7 बेटर है। अगेन पानी क्रिस्टल क्लियर, जितना साफ पानी उतना हेल्थी फिश। इनको ज्यादा डेकोरेशन वगैरह लगता नहीं है, थोड़ा बहुत सैंड, कोई एक वुड पीस या कोई पाइप का टुकड़ा, उनको चुपने का आदत है, उनको अच्छा लगता है, वो बिल में जाके चुपने का एक आदत है तो उनको सेफ लगता है, तो एक बड़ा सा ड्रिफ्टवुड का पीस भी चल जाएगा।
ये हमेशा याद रखो, अगर चना कोई भी रख रहे हो, ठीक है, मैं ये दूसरी बार बोल रहा हूं, उनको जंप करने का बहुत आदत है। दूसरी बात, खाना खिलाते टाइम प्लीज अपना हाथ मत डालो, ठीक है। कभी कभी ये एग्रेसिव हो सकते हैं और हाथ को भी काटेंगे। अगर उनको आदत लग जाता है और नेचुरली छोटे से आपने रखा है, आदत लग गया आपका, तो आपके पास आके सर भी कुजालेगा, बट नेचुरली थोड़ा अग्रेसिव। हाँ, उनके दांत भी होते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। वैसे देखा जाए तो अरवानाज इन सब का भी सिमिलर टेम्परमेंट है, बट थोड़ा अग्रेशन चेना में ज्यादा है। एक्चुअली अग्रेशन नहीं बोल सकते, एटीट्यूड ज्यादा है। आप रूम के अंदर आओगे तो आपके पास आएगा वेरी मेजेस्टिक, आप टैंक में आओगे तो आपके पास आएगा, बिकॉज वो आदत लग जाता है आपका। ज्यादातर ड्राई फूड, ठीक है, छोटे में लेगा, बट बड़े होते होते उसको लाइव फूड ज्यादा लगता है, ठीक है। और जब लाइव फूड आप खिलाते हो तो पहले लाइव फूड को क्वारंटाइन करो, साफ रखो। अगर आपने मार्केट से ऐसे ही उठा के लाके खिला दिया तो मर जाएगा। तो एक और थिंग, अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा जगह है, बड़ा गार्डन है, पॉन्ड है, छोटा सा पॉन्ड बना सकते हो, थोड़ा डीप 5-6 फुट, या आपके पास फार्म हाउस है, पॉन्ड है, या इरिगेशन टैंक है, इन सब में आप चना रख सकते हो। बहुत बड़ा भी होगा, सुंदर भी रहेगा, मस्त रहेगा। याद रखो, जितना धूप गिरेगा ना उतना ज्यादा सुंदर कलर आएगा। सनलाइट में वो है, एक अजीब क्वालिटी है, ठीक है। तो आज आपने सुंदर वीडियोस देखे, मेरे फेवरेट, सबसे फेवरेट फिश के बारे में सुना मेरे से। हाँ, चना बरका आई थिंक वो एक ड्रीम है, बिकॉज मैं रखता नहीं हूं, बिकॉज वो टैंक बड़ा लगेगा उसको। मेरे को चाहिए एक 6-8 फुट का टैंक, वाइड, 3-4 फुट वाइड, 3-4 फुट टॉल, 1-2 चना रखने का है मेरे को। होगा कभी एक दिन, जरूर होगा। काफी साल पहले मेरे पास था, छोटा सा था, मैंने एक फ्रेंड को दे दिया, बिकॉज टैंक उतना नहीं था मेरे पास। बट अभी बहुत जल्द एक चना बरका जरूर, ये एक दिली ख्वाहिश है, अंदर ही अंदर है, हो जाएगा वो भी। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखे चना बरका का। ये सब वीडियोस के लिए मैं हयात और जिब्रान भाई को थैंक यू बोलना चाहता हूं, दोस्त है, हॉबीस्ट है, एंड उनके वजह से ये वीडियोस आप देख पाए। ये सब चना और मॉन्स्टर फिश रखते हैं, उनको बहुत ख्वाहिश है, ये सब बहुत सुंदर रखते हैं, आपने वीडियोस में देखा ही है। और आखिर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको चना रखना है प्लीज होमवर्क करो, पढ़ो उसके बारे में, पढ़ो, समझो, जानो, थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा नॉलेज, थोड़ा समझदारी, ठीक है। और वो फिश को आप बहुत सुंदर रख सकते हो,
छोटे छोटे टैंक में चना मत लाओ। आप अगर मेरे को मैसेज भी करोगे कि 2 फीट में रखूं क्या, 3 फीट में रखूं क्या, आंसर इज नो, डोंट कीप देम। टैंक नहीं है मत रखो, अच्छा टैंक है जरूर रखना, बहुत सुंदर फिश है, ठीक है। तो आज मैंने पहले भी बोला है, बहुत बहुत खुशी हो रहा है मेरे को ये वीडियो बना के, मेरा फेवरेट फिश है ना, बार बार बोल चुका हूं ना, फिर भी तो हमेशा की तरह आशा करता हूं कि ये भी वीडियो आपको पसंद आया, मजा आया, एंजॉय किया आपने। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड मैं मयूर देव, कैमरा वुमन पूजा मैडम के साथ आपसे विदा लेता हूं, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज एंड शब्बा खैर। आखिरी बार बोलूंगा, इंडियन फिश है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, संभाल के आराम से, समझदारी से, जानकारी रख के लेना और अच्छे से रखना, ओके? और दोस्तों को बताना जरूर इसके बारे में, ओके?